नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हाथों में माला लिए दरवाजे पर खड़े ये पुलिस वाले अपने किसी अधिकारी या किसी वीआईपी के आओ भगत के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि अपनी मुंह बोली बहन की शादी में दूल्हा पक्ष के स्वागत के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। जी हाँ, पुलिस का खौफ यूं तो अपराधियों के मन में होता है, लेकिन नियम कानूनों को लेकर अपने सख्त रवैये के चलते पुलिस वालों के सामने आम लोग भी सहजता नहीं दिखा पाते। लेकिन यूपी के चंदौली जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो पुलिस अधिकारियों को लेकर आपकी सोच बदल कर रख देगा। दरअसल चंदौली में एक ऐसी शादी हुई जिसमें वधु पक्ष की जिम्मेदारी चंदौली पुलिस ने खुद निभाई। शादी पूरी होने के बाद बारात में शामिल सभी लोगों ने इस अनोखे विवाह को लेकर चंदौली पुलिस को धन्यवाद भी दिया। शादी समारोह में एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक, विधायक, ब्लॉक प्रमुख और दूसरे पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान चंदौली पुलिस ने युवती की शादी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर बिना किसी दहेज के ये शादी पूरी करवाई। जिले के धानापुर थाना क्षेत्र के आवाजपुरा गांव निवासी शिखा का परिवार बहुत ही गरीब है और दहेज के अभाव में उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। बेटी की शादी के गम में कुछ महीने पहले ही मां ने भी आत्महत्या कर ली थी। बेटी की शादी के नेक काम में आवाजापुर के समाज सेवी दुर्गेश सिंह आगे आए और सीओ सकलडीहा अनिरुद्ध सिंह से युवती की शादी को लेकर बातचीत की। मामले में सीओ सकलडीहा अनिरुद्ध सिंह ने शिखा, उसके परिजनों और लड़के वालों से भी चर्चा की। इसके बाद गांव के ही अवधेश से शिखा की शादी तय कर दी गई। शिखा की शादी की सभी जिम्मेदारी सीओ ने अपने कंधों पर ले ली और 22 अप्रैल को हल्दी की रस्म पूरी की गई, जिसमें खुद अनिरुद्ध सिंह भी शामिल रहे और 23 अप्रैल को धूमधाम से शिखा और अवधेश की शादी पूरी हुई। द्वार पर बारात के स्वागत में सीओ अनिरुद्ध सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बारातियों का स्वागत करके दूल्हे को जयमाला की स्टेज तक पहुंचाया गया और जयमाला का कार्यक्रम पूरा करवाया गया। इस दौरान वरवधू को आशीर्वाद देने के लिए चंदौली पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक सुखराम भारती और ब्लॉक प्रमुख समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। वैसे सर्किल ऑफिसर अनिरुद्ध सिंह पहली बार सुर्खियों में नहीं आए हैं, बल्कि आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि वो तो कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है और बीते साल ही उन्हें डिप्टी एसपी बनाया गया था। गरीब परिवार की बेटी के भाई के रूप में अपना फर्ज निभाते हुए सीओ अनिरुद्ध सिंह ने जो काम किया, इसको लेकर उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं। उनकी कोई बेटी नहीं है, लिहाजा इसलिए अपनी मुंह बोली बहन की शादी में वो धूमधाम से शामिल हुए और इन्होंने इसका आयोजन भी करवाया। मेरी भी इच्छा थी कि वो जरूरतमंद है, मैं शादी करूं, मेरी भी बच्ची नहीं है। और बहुत अच्छा लड़का मिला सौरभ, क्योंकि हम सोसाइटी में कम से कम एक मैसेज तो दे रहा है कि आप बगैर दहेज के आप शादी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, समाज का ये कोड़ खत्म होना चाहिए। कैप की जगह पगड़ी है, ठीक, तो हमारा वर्दी भी है और ये पगड़ी भी है। तो हमारा जो कहते हैं ना, जैसे पुलिस और पब्लिक का कहीं ना कहीं रिलेशन दूर होता जाता है, हमारा दिखेगा ना कि हमारा पुलिस पब्लिक का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। और लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग इसी प्रकार से शादी करें ताकि आगे की बेटियाँ दहेज के चलते जो है लोग आत्महत्या न कर सकें। हमारी यही कामना है उन लोगों से। हम सीओ साहब से बहुत खुश हैं। पुलिस का यह कदम सराहनीय है और ये इस कदम से देश में निवास करने वाले सभी लोगों को सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ कर के ऐसे गरीब बच्चों का शादी या मंगनी रस्म पूरी करानी चाहिए। और आज जो यहाँ मैंने देखा, हमको बहुत अच्छा लगा कि एक पुलिस परिवार ने एक सच में भाई और बहन का जो एक संबंध और फर्ज होता है उसको उन्होंने चढ़बढ़ करके निभाया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।